पिछले दो साल नहीं हो पाया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, आज इफ्तार हुआ, बहुत अच्छा इफ्तार हुआ, तो सब मिलकर इतना बड़े इफ्तार कोलकाता में और कोई स्थान पर नहीं होता। हमारे फिराद हकीम मेयर, उन्होंने इंतज़ाम किया था, चीफ मिनिस्टर भी आए थे, तो बहुत हम लोग ये इफ्तार को एंजॉय किया आज हमारे जी। बहुत देर से पहुंची, अजान होने के बाद क्या बोलेंगे दादा? नहीं, बहुत देर से नहीं, उनका पास एक कार्ड गए थे, वहाँ 6.24 टाइम लिख दिया था, तो इसलिए उन्होंने 6.04 में आया, आज 6.03 में थे। दादा दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है, यूपी का बुलडोजर दिल्ली में चला गया, क्या कहेंगे? वो इसलिए हमारे 5 सांसद को मैं कल हमारे पार्टी की तरफ से भेजता हूँ दिल्ली, वो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का तरफ से 5 फीमेल MP जाएंगे कल। दीदी आई, दीदी ने सबको बहुत अच्छा शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है, और यही हमारे बंगाल की एकता और अखंडता है। अच्छा, इतना प्यार, इतना कैसे अच्छा नहीं लगे बताइए तो। बहुत ये पहले बार हम कलकत्ता कॉर्पोरेशन वाले में आए, क्योंकि हम नॉर्मली कलकत्ता में रहते नहीं है, नदी में रहते, तो इसमें आज बॉबी दादा आज कुछ ना कुछ हमेशा वार्ता देती आई है, कुछ ना कुछ पैगाम दिए, मगर इस बार बहुत खामोशी से चली गई। अच्छा, हम कैसे इसका बता सकते बोले? बॉबी दादा जो है हम लोगों का मेयर साहब, और बॉबी बोला कि आपको भी जिम्मेदारी लेना होगा, इसलिए कि हम बगल काउंसिलर हम है ये जिम्मेदारी लिया, और काफ़ी तादाद में लोग आए, बहुत खुशी की बात है, और क्या बताएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। दीदी बहुत लेट से पहुंची हैं, अजान के बाद पहुंची हैं, जबकि हर साल अजान से पहले पहुँच कर। नहीं, दीदी के बारे में हमने कुछ बोल सकता, दीदी लेट से पहुंची, हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया या कुछ होगा, समिट हो रहा ना वहाँ पर ही, पूरा इंटरनेशनल समिट समझे, तमाम वर्ल्ड कंट्रीज आया है, दूसरे कंट्रीज है, और काफ़ी अभी दीदी ने कहा कि भाई 40 लाख आदमी की नौकरी होगा, देखिए अगर लागत ऐसा हो गया तो होगा। बुलडोजर दिल्ली पहुंच चुका है, जिस तरीके से मिसाइल पहुंचाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे अभी कुछ अलग फंक्शन में आया हूँ, आप हमेशा नहीं, मुझे बहुत अच्छा नहीं, इफ्तार पार्टी इसके पहले भी मैं कई इफ्तार पार्टी में जा चुका हूँ, आज ये जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन की तरफ से, बॉबी दा की तरफ से जो ये इफ्तार पार्टी रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, और मुलाकात होने से भी ज़्यादा उन्होंने बुला लिया, तो ये एक बहुत अच्छा मिलन मेला है, और मुझे बहुत बाद में ये एहसास हुआ या महसूस हुई जब बॉबी दा ने बोला कि भाई तुम ही लोकल MLA हो, मेरे साथ चलो दीदी को रिसीव करने के लिए, मैं थोड़ा सा पीछे सहमे सहमी था, उन्होंने कहा, उस वक्त मुझे एक्चुअली सिंक इन हुआ कि बात तो सही है कि यहाँ का लोकल MLA हो। असेंबली हल्के में पड़ता है पार्क सर्कस मैदान, और इस ये पार्क सर्कस मैदान में काफी एक प्रोग्राम होता है, मगर दावती इफ्तार जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक तो है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल यूनिक है, और मेरे लिए देखिए ये पहला मौका है, पहली बार मैं इसमें आ चुका हूँ, नए लोगों से जब आप मिलते हैं, नए लोग इन द सेंस इस फंक्शन में, तो इसके पहले मैं कभी आया नहीं, तो आज जो आया है और आप देख रहे हैं जो प्यार मिल रहा है, मन में मैं बार बार बोलता हूँ खुशी नहीं, शांति मिल रही है। ये सारा अवतार जो है सरपरस्ती मेयर साहब फिराद हकीम के इसमें हो रहा है, और ये KMC का अवतार पार्टी है, और इसमें पूरा अरेंजमेंट फिराद हकीम साहब के उनके निगरानी में उनके इसमें हुआ। आज तकरीबन देखा गया है कि 10,000 से ज़्यादा लोग और दीदी का दीदी को कुछ कन्फ्यूज़न था, वो कार्ड को टाइमिंग का कुछ कन्फ्यूज़न था, मगर वो ठीक टाइम में पहुंच गई, जस्ट अवतार चालू हुआ उसी टाइम में पहुंची हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो सारे रोज़ेदार जो है उनको देखा, और अमन और सुकून से शांति से जो है उन्होंने रोज़ा खोला है। मैं सबको तहे दिल से रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद देता हूं, और आने वाला ईद का भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर ताउन किया है अवतार खोलने से लेके, या लोग जिस लोग यहाँ अवतार में संगठन में जुड़े हुए थे, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और बोलता हूँ कि आने वाला कल जो है इसी तरीके से हम लोग मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म में BJP का मुकाबला करें। क्या मैसेज देंगे यहाँ से मैसेज देंगे कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि 2024 में मोदी का सफाया हो,
और दीदी वहाँ पहुँचे। आज के अहतमाम में आप काफी ज्यादा परेशान थे, आपको कितना बड़ा रोल है आज के इस प्रोग्राम में? देखिए, कॉरपोरेशन का ये प्रोग्राम है और ये मेयर साहब के सरपरस्ती में ये प्रोग्राम रखा गया है, उनके पूरे टीम यहाँ काम कर रही है और मेयर साहब केएमसी का ये प्रोग्राम है उसमें सारे लोगों का ताउन रहा है, सारे लोग यहाँ मिल के काम किए। यूपी का बुलडोजर जो दिल्ली गया है इसकी मुखालफत तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है, आप लोग इसको किस तरीके से? देखिए, जो दीदी जिस तरह से बोलती हैं वो लोगों के लिए बोलती हैं, अमन सुकून के लिए बोलती हैं, देश में जिस तरह से आंदोलन करना चाहिए वो सिर्फ मगरबी बंगाल से होता है।